नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? और आजकल लॉकडाउन का दौर चल रहा है, तो इस दौर में घर में रहिए, सेफ रहिए, और घर में रहते हुए अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी पूरी फैमिली को अच्छी अच्छी डिश बनाते रहिए, खिलाते रहिए, ताकि वो भी खुश, आप भी खुश, और पता ही नहीं चलेगा कि कैसा ये लॉकडाउन का जो समय कैसा व्यतीत हो गया। तो चलिए आज हम बनाते हैं पूरन पोड़ी। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप गेहूँ का आटा, 1 कप मैदा, थोड़ा वेजिटेबल ऑयल और थोड़ा सा सेंधा नमक और 1 चम्मच हल्दी। ये है पूरन पोड़ी, जो पोड़ी बनाते हैं, जिसको कि पराठा कहते हैं पंजाबी में। और अंदर जो फिलिंग बनाते हैं उसके लिए चाहिए देसी घी, चना दाल 1 कप और दालचीनी पाउडर, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी देसी खांड, थोड़ी हल्दी और सेंधा नमक, 4-5 छोटी इलायचियाँ और जायफल का पाउडर। अब दाल को जो है हमने बॉईल कर लिया है, और ये दाल बॉईल की हुई है हमने, और अब इसको हम गुड़ डाल के अच्छे से पकाएंगे। कढ़ाई रख दी मैंने और दाल और गुड़ का मिश्रण रख दिया है ऊपर, और इसको पकाएंगे बहुत देर तक, इसको पकाएंगे कम से कम 15-20 मिनट तक, जब तक कि ये दाल और गुड़, और जो मैंने देसी खांड ली, गुड़ के साथ आधा गुड़ और आधा देसी खांड लिया है, क्योंकि गुड़ में ज़्यादा मिठास नहीं होती है, तो इसको अच्छे से पकाएंगे। अब इसमें मैंने दालचीनी पाउडर और जायफल पाउडर डाल दिया है, तो इसको बहुत अच्छे से पकाएंगे, ये बहुत अच्छा बैटर बन जाएगा। पूरन पोड़ी का मतलब ये होता है कि पोड़ी मतलब महाराष्ट्र में बोलते हैं कि रोटी, और पूरन मीन्स उसके अंदर जो बैटर फिलिंग जो हम भरते हैं, तो देसी भाषा में या पंजाबी में कहें तो भरवा पराठा, दाल और गुड़ का भरवा पराठा। तो आप ये समझिए कि ये पूरन पोड़ी एक तरह से दाल और गुड़ का भरवा पराठा है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है, और ये महाराष्ट्र का फेमस, महाराष्ट्र की फेमस डिश है। तो अब चलिए हम परात ले लेते हैं। आटे को गूंदेंगे, गुड़, उसका मैदा और गेहूं का आटा मिक्स कर लिया है, उसमें हमने पीसी हुई हल्दी डाल दी है और थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल दिया है। अब गुनगुने पानी से इसको गूंदेंगे, हम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे गुनगुने पानी से, अच्छे से इसको गूंदना है हल्के हल्के हाथों से। और अब ये हमारा आटा लगभग गूंद गया है, अच्छे से मल के, थोड़ा सा हल्के हाथों से मलना है, ज़्यादा जोर लगा के नहीं गूंदना है इसको दोस्तों। तो हमारा ये पराठे का डो तैयार हो चुका है, अब हम इसे थोड़ी देर के लिए तेल लगा के और थोड़ा और गूंदेंगे, चिकना होने तक थोड़ा सा गूंदना है, तेल लगाते जाएंगे और ऐसा गूंदते जाएंगे। तो ये जो पराठा है देसी भाषा का, जो हमारा पूरन पोड़ी, जो महाराष्ट्र की फेमस डिश है, ये आटा गूंद चुके हैं, और अब हमारा ये मिश्रण भी, इसमें अब छोटी इलायची का पाउडर भी मैंने डाल दिया इसके अंदर, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों, बहुत अच्छा तैयार हो रहा है, ये काफ़ी लिक्विड सा हो गया है, लेकिन ठंडा होने के बाद ये एकदम गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हमारा वो तैयार हो गया है मिश्रण। अब हम आटे का पेड़ा लिया, और पेड़े को इस तरह से हम गोल एकदम कटोरी की नुमा बना लेंगे, और जो उसमें एक पेड़ा लिया है नींबू के आकार का, एक पेड़ा बना लिया है, जो गुड़ और चने की दाल का था वो इसमें हम भर देंगे, और जो इसका एक्स्ट्रा आटा है वो इसको तोड़ के निकाल देंगे। और अब हम इसको हल्के हल्के हाथ से पराठा या पोड़ी, पूरन तो भर दिया, अब हम पोली इसको बना रहे हैं, पूरन पोड़ी, अब हम इसको बेल लेंगे। और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें हल्दी डाली है, तो इसका कलर बहुत खूबसूरत आ रहा है, और बहुत ही सॉफ्ट हमारी पोड़ी, यानी कि बहुत सॉफ्ट पराठा बन रहा है, बेलने से ही बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना सॉफ्ट है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, जो हमारा मिश्रण तैयार हुआ है उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही लाजवाब है। और ये गणेश चतुर्थी पे, होली पे, दिवाली पे, वहाँ पे महाराष्ट्रीयन लोग बनाते हैं, बहुत ही फेमस है वहाँ की ये डिश। तो अब हमने ये तवे पे डाल दिया है, बहुत ही टेस्टी है लग रहा है देखकर ही, खाने में तो और भी टेस्टी होगा। अब हम इसको पलट लेंगे, एक तरफ से सिक चुका है तो हमने पलट लिया है इसको, बहुत ही सुंदर लग रहा है।
अब और दोबारा से पलट लिया, वहाँ पे घी लगा दिया मैंने, गाय का शुद्ध घी हमने लगाया है, बहुत अच्छे से सेकना है घी लगा के, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, किसी चीज़ से दबाना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से, और आंच जो है इसकी मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना है ये। और ये हमारा पराठा तैयार हो गया है, तो ये हमारी पूरन पोड़ी तैयार हो गई है सर्व करने के लिए, खाने के लिए। तो अगर मेरी डिश पसंद आए तो शेयर और लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।